वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त संहिता सरकार। और आज भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो हमने पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन कवर किए थे, आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। A material M was heated in a spoon and immediately put in a gas jar and was covered. So, एक material M को heat करा गया spoon में, फिर जो gas evolve हुई उसके heat करने से उसको हमने gas jar में covered कर दिया। ठीक है, small amount of water was added to the jar and solution was tested with blue litmus paper. अब उसी gas jar में थोड़ा बहुत हमने पानी मिलाया और फिर जो सोल्यूशन हमको मिला उसको हमने ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया। द पेपर टर्न्ड रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया। मटेरियल एम कुड बी 1 सोडियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 मैग्नीशियम, 4 सल्फर। सो यहाँ पे जो हिंट हमको दी गई है कि जो सोल्यूशन था उसको जब हमने ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया तो वो रेड कलर में चेंज हो गया। सो ब्लू लिटमस turns red कब? When it is an acidic substance, right? ये तो आपको पता ही होगा, very easy, okay? अब देखिए sodium, aluminium और जो magnesium है ये तीनों क्या है? Metals है। और जो metals oxygen के साथ जब react करते हैं तो जो metallic oxides होती है वो basic in nature होती है, basic oxides। ठीक है, और जो सल्फर है इट इज अ नॉन मेटल एंड इट विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। रिएक्शंस मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बड़ी ही अच्छी तरीके से बताऊंगी। सो क्योंकि जो सॉल्यूशन था उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया तो ये एसिडिक सब्सटेंस है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सल्फर, क्योंकि जो मेटल्स है वो जिस तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे वो बेसिक इन नेचर होता है, तो ब्लू लिटमस का कोई कलर चेंज होता ही नहीं, सो ऑब्वियसली इट इज सल्फर। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने क्या दिया है, सल्फर इज अ नॉन मेटल, जो मैंने आपसे पहले ही कहा नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस जार में सल्फर डाइऑक्साइड था उसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो एक एसिड बनती है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, और इसी एसिड के वजह से जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड कलर देने लगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली सल्फर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इट इज। Read the following statements and choose correct option. So, आपको यहाँ पे एक assertion दी गई है और दो reason दिए गए हैं। तो option 1, 2, 3, 4 में जो भी option सही है वो आपको choose करना है। तो पहले हम assertion पढ़ लेते हैं। Cellulose rich food substance are good source of roughage for human beings. Roughage को हम dietary fibers भी कहते हैं। ठीक है? सो क्योंकि ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, सो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बींग्स। रीजन वन कहा गया है, सेल्यूलोस गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। और रीजन टू में कहा गया है, द सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोस इनटू फाइबर्स। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक जो असर्शन है वो तो चलिए दिया हुआ है, पर assertion किसके बारे में दिया गया है? Human beings के बारे में दिया गया है। पर human beings की जो digestive system है, जो elementary canal है, वहाँ पे कोई भी cellulose digesting bacteria नहीं पाई जाती, जो कि cellulose को digest कर सके। So reason two तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, it is incorrect here। पर जो reason one है, cellulose gets absorbed and converted into fibers during digestion, this is the correct answer। So यहाँ पे क्या बन रहा है, A is true and R1 is correct explanation for assertion। So this one is the correct answer to this question। अब हम explanation देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है,
ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, क्योंकि उनके जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहां पे कहीं पर भी सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है. सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन रूमिनेंट्स लाइक काउ. सो काउ की जो स्टमक है वहां पे 4 चेम्बर्स होते हैं, रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमासम, एब ओमासम. सो इनमें से किसी एक चेम्बर में ये सेल्यूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है सेल्यूलेस, जो कि सेल्यूलोस को तोड़ने में मदद करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है. पर क्योंकि जो असर्शन है वो ह्यूमन बींग्स के बारे में दी गई है, सो यहाँ पर रीजन वन ही जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम. तो यहाँ पर हमको 4 जूस दिए गए हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवरी जूस. सो इनमें से किस टाइप के जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होती. तो अगर आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बाइल जूस है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती. सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बाइल जूस. सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है. बाइल जूस नो एंजाइम, ठीक है. बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है. और बाइल जूस का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब बड़े बड़े जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कवर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो एंजाइम है लाइपेज वो उसके ऊपर एक्ट कर सके, ठीक है. अब पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज. सो पैनक्रियाटिक जूस में तो आपको एंजाइम्स नजर आ ही रहे हैं. गैस्ट्रिक जूस में कौन सी एंजाइम होती है? पेप्सिन, ओके, जो कि जो प्रोटीन्स है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देती है. और जो सलाइवरी जूस है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको एक और नाम से जाना जाता है टायलिन. सो इसका काम है स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है. सो उस बेसिस पे द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बाइल जूस, क्योंकि उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती है. अब जो क्वेश्चन नंबर 74 है ना, ये क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको देती हूँ. मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करने की कोशिश की पर मेरी जितनी नॉलेज है उस बेसिस पे मुझे कुछ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए नहीं समझ में आया है. तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और आप मुझे थोड़ा सा डिटेल्ड वे में इसका सोल्यूशन दे पाए कमेंट में तो मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मुझे समझा पाए तो फिर मैं इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. सो क्वेश्चन पढ़ लिया जाए. टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली. मतलब कंटेनर ए में 50 ग्राम ऑफ आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है और कंटेनर बी में 50 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है. इफ बोथ द कंटेनर्स आर केप्ट इन फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड अलाउड टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू. तो अगर दोनों ही कंटेनर को हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दे और थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करने दे, थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करना मतलब जब हीट का गेन और लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों चीजों की जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगी, सो ट्रांसफर ऑफ हीट एकदम जीरो हो जाएगा, तो उस बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही बैठता है. सो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में जो भी आपको सही लगे आप अगर मुझे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कमेंट करके बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा, फिर मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मुझे जितनी मेरी नॉलेज है उससे मैं तो कोई आंसर ढूंढ नहीं पाई इसका. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पे बताया गया है द टाइप ऑफ जॉइंट इन एल्बो ऑफ आवर फोर लिम्ब undergoes similar movement as of door joint of our house. So, जो door joint होता है उसको हम hinge कहते हैं, right? ये आपको पता ही होगा. Which joint is this? So, obviously, यहाँ पे मैंने आपको जो hint दी, वही है इसका answer. Hinge joint पाया जाता है elbow of our forelimb में. अब देख ले हम कि और भी कितने types के joint है ताकि
एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमको बाकी जो जॉइंट्स है उनके बारे में भी पता चल जाए। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हिन जॉइंट, और जो हिन जॉइंट है वो किस तरह की मूवमेंट अलाउ करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब पीछे जाना और आगे आना, कहाँ पे प्रेजेंट है, नी एंड एल्बो जॉइंट में। ओके, नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये 360 डिग्री मूवमेंट में मदद करता है और ये पाया जाता है शोल्डर एंड हिप जॉइंट में। जो फिक्स जॉइंट होता है वो किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट ऑफ अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड। और जो पिवट जॉइंट है ये राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट में मदद करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में मदद करता है, और ये प्रेजेंट है द जॉइंट बिटवीन द नेक एंड हेड। ओके, सो ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यहाँ से जॉइंट टाइप्स और किस तरह की मूवमेंट वो अलाउ करते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इससे मैच द फॉलोइंग या कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ टुडेज सेशन। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड। ओके, सो द ऑप्शंस आर 1 विटामिन सी, 2 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, 3 विटामिन डी एंड 4 विटामिन के। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली विटामिन के। व्हाई इज इट सो, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सो देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसका नाम है स्कर्वी। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वो है बेरीबेरी। विटामिन डी के कमी होने के कारण बॉडी में जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसका नाम है रिकेट। और विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड। सो अगर आपको कोई भी वुंड हो, आपको अगर कोई भी इंजुरी हो, सो वहां से खून बहता ही रहेगा क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर जो खून के जमने में मदद करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है जिस वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वुंड से। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 77। अगर आपको मेरा पेस थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको अगर क्वेश्चन रीड करना हो तो आप पॉज कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 77 इज सेइंग लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द फॉलोइंग मीडिया सक्सेसिवली एंड फाइनली इमर्जेस। सो लाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंटर करना, उसने शुरुआत की एयर से। एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.003। ठीक है, सो फिर वो दोबारा हवा में ही इमर्ज करती है। सो एंटर भी कर रही है एयर से और जब बाहर निकल रही है वो भी एयर के थ्रू ही निकल रही है, पर बीच में वो इन मीडियम से गुजरने के बाद, मतलब ई के बाद, फिर वो एयर से होकर निकल रही है। तो ये आपको याद रखना है, स्टार्टिंग है एयर से, एयर टू ए, देन टू बी, देन टू सी, देन टू डी, then to E and then to air. Okay? So, which of the following is correct sequence about the change in velocity of light? So, air की जो refractive index है वो ये है। अब आपको याद रखना है कि जो velocity of light है, velocity of light is inversely proportional to the refractive index. Refractive index. So, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट वहां पे कम हो जाएगा, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एयर से उसने स्टार्ट की एंट्री, सो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, फिर वो यहां से 1.5 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर एंटर करेगा सो उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ी यहाँ पे, सो ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज, राइट। फिर 1.5 से जब वो 1.26 जा रही है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके कंपैरिजन में कम हो रही है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज। फिर 1.26 से बढ़ रही है 1.33 में, सो अगेन इट विल
डिक्रीज, राइट। फिर 1.33 से दोबारा ये घट रही है 1 में, सो इट विल इंक्रीज। एंड फिर 1 से ये 2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंटर कर रही है, उस मीडिया में एंटर कर रही है, मतलब बढ़ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर भी क्या होगा, डिक्रीज। फिर 2 से वो दोबारा एयर में इमर्ज कर रही है, एयर की क्या है 1.0003, सो 2 से एयर में कम है, सो इट विल अगेन इंक्रीज। सो हमारा जो ऑर्डर आ रहा है वो है फर्स्ट डिक्रीज, ओके, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज, डिक्रीज, अगेन इंक्रीज। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। सो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया क्या। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003, आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगी तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी, और अगर किसी भी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगी सो वहां पे velocity of light increase होगी। तो उस basis पे हमने इस question को solve कर लिया। अब हम next question पे बढ़ते हैं, question number 78, okay? So what is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing in human beings? So inhalation मतलब सांस लेना। So जब इंसान breathing क्या होता है? Breathing means इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, राइट। सो इनहेलेशन में कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप ऑप्शंस देख ले, मैं इसे रीड आउट नहीं करूंगी, ठीक है, आप एक बार ऑप्शंस देख ले, 1, 2, 3, 4, ओके। सो इसको आंसर करने के लिए मुझे पता है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो इनहेलेशन मतलब एयर मूव्स इन, अंदर जाएगी हवा, ठीक है, जो रिब्स है वो मूव आउट करेंगे ताकि जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाए, और जो डायफ्राम है वो मूव डाउन करेगा, अगेन द रीजन इज जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी की वो बढ़ जाए। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। अब अगर आप देखें, आपने एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो की हो तो आपको पता होगा वहां पे दिया हुआ है सुंदर से लिख के कि इनहेलेशन में जो मैकेनिज्म होती है उसमें होता है एयर मूव्स इन, द रिब्स मूव आउट एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन, और एक्सहेलेशन में ठीक इसका उल्टा होता है, एयर मूव्स आउट, रिब्स मूव इन एंड द डायफ्राम मूव्स अप। सो इस दो इन दोनों को अगर आप याद कर ले या आपको अगर ये समझ में आ जाए तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़नी चाहिए तब जाके हवा हमारे लंग्स तक पहुंच पाएगा, एंटर कर पाएगा, जिस वजह से ये मैकेनिज्म होती है, और एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है उसे कम करना होता है ताकि जो हवा है वो हमारे नोस्ट्रिल से निकल पाए, तो ये सारी मैकेनिज्म्स फॉलो होती है एक के बाद एक। Now let's talk about question number 79. A man having a blood group A marries a woman with blood group B. तो एक इंसान है, एक आदमी है जिसकी blood group A है, उसने एक औरत से शादी की जिसकी blood group B है. The blood group of their son and daughter could be. So ये वाला question tricky तो मैं नहीं कहूंगी, पर इस question को answer करने के लिए आपको blood group का जो cross होता है, जो आप 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में आके जानते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो इसके आंसर को डिक्लेयर करने से पहले हम क्वेश्चंस जरा समझ लेते हैं थ्रू एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन में आपको जो ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 अलील्स होते हैं, ठीक है, एक है आई ए, दूसरा है आई बी, तीसरा है स्मॉल आई। अब किसी भी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो जेनोटाइप है वो 2 तरह की होती है, क्या, आई ए स्मॉल आई और आई कैपिटल ए आई कैपिटल ए।
अब यहाँ पे क्योंकि बताया नहीं गया है कि उसकी जेनोटाइप क्या है, तो हमें सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना है। अब जिसकी बी ग्रुप होती है उसकी जो एलील्स है वो ऐसी होगी, जेनोटाइप ऐसी होगी, आई बी स्मॉल आई, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसका जो जेनोटाइप होता है वो होता है स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसका जो जेनोटाइप हो सकता है वो होगा आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, या फिर आई कैपिटल बी आई कैपिटल ए। और जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है, मतलब ये अगर इस फॉर्म में पाए जाएंगे ना आई बी आई, सो ब्लड ग्रुप स्मॉल आई के वजह से जो ओ होने वाला था वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ब्लड ग्रुप बी ही होगा क्योंकि आई बी जो है वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट है और जो रिसेसिव एलील है वो है स्मॉल आई। ओके, सो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ, आपको समझने में दिक्कत हो, सो आप ग्रेड 11 या ग्रेड 10 की कोई भी बुक लेकर ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिसाइड होता है, कैसे हम पता कर सकते हैं, उसको अगर आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। सो हमको बताया गया है मैन ए ब्लड ग्रुप, सो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम ध्यान में रखेंगे। वुमेन की बी ब्लड ग्रुप है सो दोनों पॉसिबिलिटीज हम ध्यान में रखेंगे। अब जो फोर पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, हमें चार क्रॉस करके देखना है, आई ए आई ए, आई बी आई बी, आई ए आई विथ आई बी आई बी, आई ए आई ए विथ आई बी स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई। तो अगर हम क्रॉस करते हैं ना, अगर आप क्रॉस पे ध्यान दें तो पहली वाली क्रॉस में हमको जो चारों बच्चे या जो पॉसिबिलिटी है बच्चों के ब्लड ग्रुप की उनकी आ रही है ए बी। मतलब अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम कंसिडर करें इस वाले को, तो जो भी बच्चे जन्मेंगे वो सभी ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे। अगर हम सेकेंड पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखें तो यहाँ पे हमको जो 50% ऑफ द बच्चा होगा, मतलब 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग दे विल बी हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, और जो 50% है उनकी बी ब्लड ग्रुप होगी। थर्ड जो है, सेकेंड वाली भी हमने कर ली, थर्ड पॉसिबिलिटी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जो 50% बच्चे होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे और जो 50% बच्चे होंगे वो ए ब्लड ग्रुप के होंगे। और अगर हम फोर्थ पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो कितना होगा, 25% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, 25 ऑफ देम विल बी हैविंग बी ब्लड ग्रुप, 25% ऑफ देम विल बी हैविंग ए ब्लड ग्रुप, and 25% of the offspring will be having O blood group. So, अगर हम इन चारों crosses को ध्यान में रखे, तो ये बता पाना मुश्किल है कि कोई particular एक तरह का blood group वाला बच्चा होगा। So, इसीलिए इसका जो correct answer है, cross से जो हमें पता चल रहा है, ये या तो either A, B, O और AB, ये वाला इसका correct answer है। क्योंकि हमको जो फादर और मदर की जो जेनोटाइप है ब्लड ग्रुप के लिए वो नहीं बताई गई है, तो हमें ये चारों पॉसिबिलिटीज को ही ध्यान में रखना है। सो उस बेसिस पे इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 4, ईदर ए बी ओ और ए बी। अब आ जाते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि साउंड से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 80। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे असर्शन दिया गया है और उसके दो रीजन दिए गए हैं, हमको आउट ऑफ ऑप्शन 1, 2, 3, 4 किन्हीं एक को चूज करना है। सो असर्शन पढ़ लेते हैं, वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड देन वी हिट इट सॉफ्टली। तो ये आपने तो ध्यान में, मतलब ये आपके ध्यान में आया ही होगा कि जब हम बच्चे थे तो अगर हम टेबल को जोर से हिट करते थे तो जो साउंड प्रोड्यूस होती थी वो ज्यादा तेज होती थी, लाउडर होती थी, इफ देन द साउंड वी गेट आफ्टर हिटिंग इट सॉफ्टली। तो अगर हम हल्के से उसको हिट करेंगे तो जो साउंड होगी वो भी हल्की होगी। सो असर्शन तो हमें समझ में आ गया। रीजन में क्या बताया गया है, रीजन वन कह रहा है लाउड साउंड कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विथ हाई एनर्जी। और ये भी आपने ध्यान में, मतलब आपके ध्यान में आया ही होगा कि जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज जो है वो दूर दूर तक पहुंचती है। पर यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है वो इसलिए है कि जो साउंड है वो हाई एनर्जी से एसोसिएटेड होती है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट बता रहा है रीजन टू,
लाउड साउंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड. सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखने के बाद हम इसका जो आंसर है वो डिसाइड करेंगे. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, द बिगर द वाइब्रेशंस द लाउडर द साउंड एंड द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द साउंड वेव. मतलब किसी भी साउंड वेव की मतलब उसकी जो वाइब्रेशन अगर ज्यादा होगी तो साउंड भी लाउडर होगा, और अगर लाउडर साउंड है तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी. ठीक है. सो ये यहाँ पे जो हमारा पहला वाला पॉइंट है, रीजन है, ये जस्टिफाइड होता है, राइट. नेक्स्ट हमारा क्या बताया है, लाउड साउंड हैज मोर एनर्जी देन सॉफ्ट साउंड. तो ये हमारा रीजन वन को जस्टिफाई कर रहा है. ओके. अ साउंड वेव विथ हायर एनर्जी विल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस. सो ये बात भी यहाँ पर जस्टिफाइड हो रही है जो कि रीजन वन में दी गई है. मतलब लाउड साउंड का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है. मतलब साउंड का उसकी लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी पे साउंड की पिच डिपेंडेंट होती है, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली आर वन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो असर्शन का सही जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजन वन ने ही दिया है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो इसके साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही सेशन के साथ मैं दोबारा लौटूंगी. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी.